हे एवरी वन, माई नेम इज़ उपेंद्र यादव और आप देख रहे हैं एल्गोरिदम एजुकेशन। तो हम लोगों ने सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स के लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट किया था, जिसमें आज ये हमारा फिफ्थ लेक्चर है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मोनोटोनिक सीक्वेंस के बारे में डिस्कशन किया था और उससे रिलेटेड एक थ्योरम थी उसको भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो आई होप आपको लास्ट लेक्चर में जो भी हमने पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। देन इसके बाद अब हम लोग इस लेक्चर में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे और वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस, कि किसी भी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट किस तरीके से निकालते हैं, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा। तो आप इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से और ध्यान से पढ़िए, चाहे आपको कोई सी भी सीक्वेंस दे दी जाए आप इजीली उस सीक्वेंस का जो लिमिट पॉइंट है वो इजीली निकाल सकें। फिर भी अगर आपको किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट निकालने में दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं या फिर आप मुझे डायरेक्ट मेल करके भी पूछ सकते हैं। जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी मैं आपकी कमेंट का या फिर आपके मेल का रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस क्या होता है या फिर किसी भी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट किस तरीके से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक बार डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं, देन इसके बाद फिर इसके मतलब को समझेंगे कि एक्चुअली में डेफिनेशन हमसे क्या कहना चाह रही है। तो डेफिनेशन है लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस। अ रियल नंबर पी इज सेड टू बी अ लिमिट पॉइंट और अ क्लस्टर पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस इफ एवरी नेबरहुड ऑफ पी कंटेन्स एन इन्फाइनेट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द गिवन सीक्वेंस। तो इस पूरी डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ कि किसी भी रियल नंबर P को किसी सीक्वेंस AN का लिमिट पॉइंट या फिर क्लस्टर पॉइंट, ये दोनों सेम ही हैं, चाहे आप लिमिट पॉइंट बोल दीजिए या फिर आप क्लस्टर पॉइंट बोल दीजिए। तो किसी भी रियल नंबर P को किसी सीक्वेंस AN का लिमिट पॉइंट हम लोग तभी बोलते हैं जब P के नेबरहुड में, चाहे कोई सा भी P का नेबरहुड लें, एवरी नेबरहुड ऑफ P कंटेन्स एन इन्फाइनेट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द गिवन सीक्वेंस। मतलब कि P के नेबरहुड में सीक्वेंस के इन्फाइनेट एलिमेंट कंटेन करने चाहिए, तभी उस रियल नंबर P को हम क्या बोलेंगे कि ये सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है। अगर हम इस डेफिनेशन को दूसरे तरीके से भी देखना चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अ रियल नंबर P इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस AN इफ फॉर एनी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो AN बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन फॉर इन्फाइनेटली मैनी वैल्यूज ऑफ n। जो मतलब इस डेफिनेशन का है वही मतलब इस डेफिनेशन का है। ये जो दोनों डेफिनेशन हैं ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था इस डेफिनेशन में कि किसी भी रियल नंबर p को लिमिट पॉइंट कब बोलते हैं, जब उस p के नेबरहुड में, चाहे आप कोई सा भी नेबरहुड लीजिए, उस p के नेबरहुड में सीक्वेंस के इन्फाइनेट एलिमेंट कंटेन करने चाहिए। वही मतलब यहाँ पर भी है कि किसी भी रियल नंबर P को लिमिट पॉइंट हम लोग किसी भी सीक्वेंस AN का तभी बोलेंगे जब किसी भी एप्सिलॉन के लिए, फॉर एनी एप्सिलॉन, चाहे आपको कोई सा भी एप्सिलॉन दे दिया जाए, सभी एप्सिलॉन के लिए AN बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन। यहाँ पर ये जो दिया गया है ये क्या है, P का स्मॉल नेबरहुड है ना, तो इस P के नेबरहुड में सीक्वेंस की इन्फाइनेटली मैनी वैल्यूज एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है किसी रियल नंबर के साथ तभी हम लोग उस रियल नंबर को बोलेंगे कि ये जो पर्टिकुलर रियल नंबर है वो इस सीक्वेंस का एक लिमिट पॉइंट है। इसी तरीके से कोई और रियल नंबर भी हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि सीक्वेंस के जो लिमिट पॉइंट होते हैं वो यूनिक होते हैं। यूनिक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको किसी सीक्वेंस के लिए एक ही लिमिट पॉइंट हो सकता है कि किसी दूसरी सीक्वेंस के लिए दो, तीन या फिर इनफाइनाइट अनकाउंटेबल भी लिमिट पॉइंट मिल सकते हैं। तो किसी भी सीक्वेंस के लिए यूनिक लिमिट पॉइंट भी हो सकते हैं और यूनिक नहीं भी हो सकते हैं। तो आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू भी समझने की कोशिश करते हैं जिससे आपको और अच्छे से ये जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा कि किसी भी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल अब हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है, फर्स्ट सीक्वेंस हम लोगों को दी गई है AN इज इक्वल टू माइनस वन की पावर N। तो इस सीक्वेंस के एलिमेंट किस टाइप के होंगे, माइनस वन वन माइनस वन वन माइनस वन वन एंड सो ऑन। तो इस सीक्वेंस के जो लिमिट पॉइंट हैं वो हैं 1 एंड -1। मैं आपको यहाँ पर एक बात और बताना चाहता हूँ, वो बात ये है
कि सीक्वेंस के जो लिमिट पॉइंट होते हैं वो सीक्वेंस के एलिमेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि कोई एक रियल नंबर जो है वो किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट तो हो रहा हो, लेकिन वो जो रियल नंबर है वो सीक्वेंस का एलिमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे आगे अभी हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे जिसमें जो लिमिट पॉइंट होगा सीक्वेंस का वो सीक्वेंस का मेंबर नहीं होगा या फिर वो एलिमेंट नहीं होगा। तो आप ये बात ध्यान रखना कि जो लिमिट पॉइंट होंगे किसी भी सीक्वेंस के वो सीक्वेंस के एलिमेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोगों को सीक्वेंस दी गई है -1 की पावर n, इस सीक्वेंस के 1 एंड -1 लिमिट पॉइंट हैं। अब देखते हैं कि ये जो लिमिट पॉइंट हैं वो किस तरीके से लिमिट पॉइंट बन रहे हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी रियल नंबर को किसी भी सीक्वेंस an का लिमिट पॉइंट तभी बोलेंगे जब उस रियल नंबर का चाहे हम कोई सा भी नेबरहुड ले लें, स्मॉल से स्मॉल नेबरहुड अगर हम चूज कर लें तो उस नेबरहुड में भी सीक्वेंस के इनफाइनाइट एलिमेंट कंटेन करने चाहिए। अगर फाइनाइट एलिमेंट कंटेन किए तो फिर वो जो रियल नंबर है वो सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, तो इनफाइनाइट एलिमेंट कंटेन करने चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप 1 को चेक कीजिए। जब आप 1 का स्मॉल से स्मॉल नेबरहुड बनाएंगे, चाहे आप 1 से मान लीजिए आप एप्सिलॉन की वैल्यू 0.00005 या फिर 1 ले लेते हैं, मान लीजिए एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0.00001। तो जो 1 का स्मॉल नेबरहुड बनेगा 1 माइनस एप्सिलॉन एंड 1 प्लस एप्सिलॉन, मतलब ओपन इंटरवल हो जाएगा ना 1 माइनस एप्सिलॉन से लेके 1 प्लस एप्सिलॉन तक, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक इंटरवल हो जाएगा। तो इस ओपन इंटरवल में सीक्वेंस के इनफाइनाइट एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप एन की वैल्यू इवन लेते जाओगे तो जैसे ही एन की वैल्यू इवन होगी तो वो इस 1 के नेबरहुड में कंटेन कर जाएगी। और इवन नंबर आपके पास कितने होते हैं, इवन नंबर कितने होते हैं बताइए आप, इवन नंबर इनफाइनाइट होते हैं, मतलब काउंटेबली इनफाइनाइट होते हैं। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि सीक्वेंस के इनफाइनाइट एलिमेंट कंटेन करने चाहिए। तो यहाँ पर 1 के नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइट एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं ना। आप एक बार सोच के देखिए, आप अपने मन में सोचिए कि 1 का हमने स्मॉल नेबरहुड बनाया, एप्सिलॉन की वैल्यू चाहे हम कुछ भी चूज कर लें यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितनी भी छोटी से छोटी एप्सिलॉन की वैल्यू चूज कर लें वो जो 1 का नेबरहुड बनेगा उसमें सीक्वेंस के इनफाइनाइट एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हम एन की वैल्यू इवन लेंगे वो 1 के नेबरहुड में कंटेन कर जाए। तो 1 इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट हो गया, एंड -1 भी इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि आप -1 का स्मॉल से स्मॉल नेबरहुड चाहे आप कोई सा भी ले लीजिए यहाँ पर आप एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी भी छोटी से छोटी चूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आप -1 का स्मॉल से स्मॉल नेबरहुड भी चूज करते हैं तब भी उस स्मॉल नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइट एलिमेंट कंटेन कर जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो स्मॉल नेबरहुड होगा वो क्या होगा, -1 -एप्सिलॉन से लेके -1 प्लस एप्सिलॉन तक, ये ओपन इंटरवल है ना हमारे पास। तो इस ओपन इंटरवल में चाहे आप इसको कितना भी छोटा कर दीजिए, -1 के नेबरहुड को कितना भी छोटा कर लीजिए, इस छोटे से छोटे नेबरहुड में जो -1 एलिमेंट है वो कितनी बार आ रहा होगा, मतलब जैसे ही आप एन की वैल्यू ऑड चूज कर रहे होंगे तो ऑड लेने पर -1 इसमें इनफाइनेटली मैनी टाइम्स आ रहा होगा, क्योंकि ऑड नेचुरल नंबर कितने होते हैं हमारे पास, काउंटेबली इनफाइनाइट, हमको चाहिए कितने, इनफाइनाइट -1 के नेबरहुड में। हाँ, तो ऑब्वियसली इनफाइनाइट एलिमेंट मतलब इनफाइनाइट टर्म सीक्वेंस के आ रहे हैं ना इसमें, तो इस वजह से जो -1 है वो भी इस सीक्वेंस का क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो इस सीक्वेंस के पास 2 लिमिट पॉइंट है, 1 एंड -1, इसके अलावा इस सीक्वेंस के पास कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है। इसी तरीके से अब हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में हम लोगों को सीक्वेंस दी गई है 1/n, तो इस सीक्वेंस का जो लिमिट पॉइंट है वो है ओनली 0, 0 ही इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है। तो मैंने आपको भी बताया था कि सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट यूनिक भी हो सकते हैं और यूनिक नहीं भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर इस सीक्वेंस के 2 लिमिट पॉइंट आ रहे थे और इस सीक्वेंस के यहाँ पर केवल एक ही लिमिट पॉइंट आ रहा है, तो यूनिक है भी हैं और यूनिक नहीं भी हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इस सीक्वेंस का ये जो 0 है, 0 रियल नंबर, ये लिमिट पॉइंट किस तरीके से बन रहा है। सबसे पहले हम लोग 0 का स्मॉल नेबरहुड बनाते हैं, तो 0 -एप्सिलॉन एंड 0 प्लस एप्सिलॉन, हमारे पास एक ओपन इंटरवल आ गया 0 -एप्सिलॉन से लेके 0 प्लस एप्सिलॉन तक, मतलब
ओपन इंटरवल क्या हुआ, माइनस एप्सिलॉन से लेके प्लस एप्सिलॉन तक, क्योंकि जीरो उसमें ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो कोई फर्क तो नहीं पड़ता है। तो ओपन इंटरवल हमारे पास क्या हुआ, माइनस एप्सिलॉन से लेके प्लस एप्सिलॉन तक। यहाँ पर एप्सिलॉन हमारा आर्बिट्री है, मतलब कुछ भी हो सकता है, आप छोटी से छोटी एप्सिलॉन की वैल्यू कुछ भी चूज कर सकते हैं। तो ओपन इंटरवल हो गया माइनस एप्सिलॉन से लेके प्लस एप्सिलॉन तक। अब देखिए ये जो हमारे पास नेबरहुड आया, इस नेबरहुड में इस सीक्वेंस के इनफाइनाइट एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अभी हम लोगों ने एप्सिलॉन की वैल्यू वो ले ली 1/2, मतलब 0.5। तो हमारे पास ओपन इंटरवल क्या होगा, क्या हो जाएगा, माइनस 0.5 से लेके पॉजिटिव 0.5 तक। ठीक है, ये हमारे पास एक ओपन इंटरवल आ गया। तो अब इस ओपन इंटरवल में आप इजीली देख सकते हैं कि इस सीक्वेंस के इनफाइनाइट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब आप इस सीक्वेंस के लिए एन की वैल्यू ग्रेटर देन 2 लेने के बाद के जो एलिमेंट होंगे वो सभी एलिमेंट इस ओपन इंटरवल में कंटेन कर जाएंगे, मतलब माइनस 0.5 से लेके पॉजिटिव 0.5 तक के ओपन इंटरवल में। जैसे एन इज ग्रेटर देन 2 होने के बाद हमारे पास एलिमेंट क्या क्या आएंगे, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 एंड सो ऑन। तो ये जो सभी एलिमेंट है ना, ये जीरो के उस नेबरहुड में कंटेन कर रहे हैं ना। तो अभी तो आपने एप्सिलॉन की वैल्यू 1/2 चूज की थी, आप इससे और स्मॉल वैल्यू भी चूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एप्सिलॉन की वैल्यू चूज कर ली 0.001, तो आपके पास ओपन इंटरवल क्या हो जाएगा, नेगेटिव 0.001 से लेके पॉजिटिव 0.001 तक। तो इस नेबरहुड में भी सीक्वेंस के इनफाइनाइट एलिमेंट कंटेन कर जाएंगे, क्योंकि 1/100 के बाद के जो एलिमेंट होंगे, मतलब 1/101, 1/102, 1/103 एंड सो ऑन। तो इसके बाद के जो एलिमेंट होंगे, मतलब 1/100 के बाद के जितने भी एलिमेंट हैं इस सीक्वेंस के, उस सभी एलिमेंट माइनस 0.001 से लेके पॉजिटिव 0.001 तक का जो नेबरहुड है उसमें कंटेन कर जाएंगे। तो यहाँ पर जब हम लोगों ने एप्सिलॉन की वैल्यू 0.001 को चूज किया, तब भी सीक्वेंस के इनफाइनाइट एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं। अगर हम एप्सिलॉन की वैल्यू 1/2, मतलब 0.5 चूज करते हैं, तब भी सीक्वेंस के इनफाइनाइट एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी भी छोटी से छोटी चूज कर लीजिए, जब भी आप जीरो का नेबरहुड बनाएंगे, जीरो माइनस एप्सिलॉन एंड जीरो प्लस एप्सिलॉन, तो हमेशा इस जीरो के नेबरहुड में इस सीक्वेंस के इनफाइनाइट एलिमेंट कंटेन कर जाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पर ये जो जीरो है ना, वो इस सीक्वेंस का एक लिमिट पॉइंट है। इसी तरीके से अगर आप चेक करना चाहें कि क्या कोई और रियल नंबर ऐसा तो नहीं है जो इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट बन रहा हो, तो ठीक है आप चेक कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग 1/2 को चेक करते हैं कि 1/2 इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होगा या फिर ये नहीं होगा। तो एक बार हम लोग 1/2 का स्मॉल नेबरहुड बनाते हैं, तो 1/2 माइनस एप्सिलॉन, 1/2 प्लस एप्सिलॉन, तो नेबरहुड क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 0.001 से लेकर 1/2 प्लस 0.001, ये हमारा एक ओपन इंटरवल आ गया। अब यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं कि इस इंटरवल में सीक्वेंस का एक भी एलिमेंट कंटेन नहीं कर रहा है, एक्सेप्ट 1/2 को छोड़कर। इस 1/2 को छोड़ने के बाद इस नेबरहुड में सीक्वेंस का एक भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बट करने कितने चाहिए, इनफाइनाइट। अब यहाँ पर तो एक भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो फिर ये कहाँ से लिमिट पॉइंट बनेगा। इसी तरीके से अगर आप मान लीजिए यहाँ पर तो हम लोगों ने 1/2 को चूज किया था, अब 1/1 करोड़ को अगर आप चूज कर लेते हैं कि ये हमारा लिमिट पॉइंट होगा कि नहीं होगा, तो इसको भी आप इजीली देख सकते हैं। आप इतना स्मॉल नेबरहुड लीजिए कि इस स्मॉल नेबरहुड में ये जो 1/1 करोड़ है, इसका स्मॉल नेबरहुड इतना छोटा लीजिए कि सीक्वेंस के एक भी एलिमेंट कंटेन ना कर पाए, तो ये भी हमारा क्या होगा, फिर ये लिमिट पॉइंट नहीं बन पाएगा। तो इस सीक्वेंस के पास केवल जीरो ही एक ऐसा रियल नंबर है जो इस सीक्वेंस का क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा। इसके अलावा कोई भी रियल नंबर इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता है। इन दोनों एग्जांपल की हेल्प से थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा कि लिमिट पॉइंट किस तरीके से निकालते हैं, कैसे हम लोग विजुअलाइज करते हैं कि ये लिमिट पॉइंट बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो आपको इन दोनों एग्जांपल से थोड़ा बहुत तो आइडिया लग गया होगा। अभी हम लोग आगे और भी एग्जांपल देखेंगे, लगभग हम लोग 10 एग्जांपल डिस्कशन करेंगे, उनमें आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि किस तरीके से लिमिट पॉइंट निकालते हैं। तो हमारे पास अब थर्ड एग्जाम्पल है, थर्ड सीक्वेंस हम लोगों को दी गई है, सी एन इज इक्वल टू 2 If n is equal to 1 और prime, जब आप n की वैल्यू 1 और prime चूज करेंगे तो सीक्वेंस की वैल्यू होगी 2, और जब n की वैल्यू 1 और prime के अलावा कोई दूसरी होगी
तो सीक्वेंस की वैल्यू हो जाएगी n। तो इस सीक्वेंस का जो लिमिट पॉइंट होगा वो होगा 2। किस तरीके से? जब आप 2 का स्मॉल नेबरहुड बनाएंगे, 2 माइनस एप्सिलॉन से लेके 2 प्लस एप्सिलॉन तक, तो हमारे पास ओपन इंटरवल आ गया 2 माइनस एप्सिलॉन से लेके 2 प्लस एप्सिलॉन तक। तो इस ओपन इंटरवल में सीक्वेंस के इनफाइनाइट एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं ना, क्योंकि जैसे जैसे आप एन की वैल्यू प्राइम लेते जाएंगे वैसे वैसे सीक्वेंस का जो मेंबर है वो इस 2 के नेबरहुड में कंटेन कर जाएगा। और प्राइम नंबर कितने होते हैं? काउंटेबली इनफाइनाइट। हमको चाहिए कितने? इनफाइनाइट। इस वजह से 2 क्या हो जाएगा? इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट। बाकी और कोई रियल नंबर इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट नहीं हो पाएगा। अब आपको एक क्वेश्चन मैं करने को देता हूँ। आपको मैंने एक सीक्वेंस दी है, डी एन इज इक्वल टू 2 इफ एन इज इक्वल टू 1 और प्राइम, और जब पी डिवाइडेड बाई एन एंड पी इज द लीस्ट प्राइम तब सीक्वेंस की वैल्यू होगी पी। तो ये जो सीक्वेंस दी गई है आप लोगों को इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट बताना है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट क्या होगा। बहुत ही इजी है, आप थोड़ा सा सोचिए, आप थोड़ा सा सोचने की कोशिश कीजिए, आप बहुत ही इजी तरीके से निकाल सकते हैं कि इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट क्या होगा। जिस तरीके से हम लोगों ने इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट निकाला उसी तरीके से, बिल्कुल सेम उसी तरीके से इस सीक्वेंस का भी लिमिट पॉइंट निकलेगा। तो अगर आप निकाल सकते हैं तो निकालने के बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट क्या आएगा। और आप बिल्कुल निकालिए, अगर आपने नहीं निकाला ना तो फिर आप समझ जाइए कि मैं आपके साथ क्या करूँगा। करूँगा तो खैर कुछ नहीं, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए कि कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट क्या होगा। ठीक है, आप बताओगे तो हमें भी अच्छा लगेगा कि चलो मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ या जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप लोगों को समझ अच्छे से आ रहा है। और अगर नहीं आ रहा है तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं कोई और तरीका ढूंढूंगा जिससे आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपको बिल्कुल ही नहीं समझ आए, भाई वो तो अलग स्टूडेंट होते हैं ना जिनको बिल्कुल ही नहीं समझ आता है, लेकिन आप तो उनमें से नहीं हो। तो आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल बताएं कि इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट क्या होगा। ठीक है, बहुत बार बोल चुका हूँ, आप बता दीजिए, नहीं तो फिर समझ लीजिए आप। तब आप लोगों को धमकी नहीं दे रहा हूँ, प्यार से बोल रहा हूँ, आप तो ऐसे समझ रहे हैं जैसे मैं धमकी दे रहा हूँ। चलिए छोड़िए, आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब हम लोग एक रिमार्क और एक लिमिट पॉइंट से रिलेटेड नोट देख लेते हैं, देन इसके बाद फिर और भी एग्जांपल है लिमिट पॉइंट से रिलेटेड, उनको डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास रिमार्क ये है, अ रियल नंबर पी इज नॉट अ लिमिट पॉइंट। यहाँ पर लिखा है नॉट अ लिमिट पॉइंट। तो अ रियल नंबर पी इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस ए एन इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन नेबरहुड ऑफ पी विच कंटेन्स ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए एन। जैसे कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था कि अगर किसी रियल नंबर पी के नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइट एलिमेंट कंटेन नहीं कर रहे हैं तो फिर वो जो रियल नंबर होगा वो उस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट नहीं बन पाएगा। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि किसी भी रियल नंबर पी को उस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट नहीं बोलेंगे अगर उस पी के नेबरहुड में सीक्वेंस के फाइनाइट एलिमेंट अगर कंटेन कर रहे होंगे तो। तो अगर सीक्वेंस किसी भी रियल नंबर पी के नेबरहुड में सीक्वेंस के फाइनाइट एलिमेंट अगर कंटेन कर रहे हैं तो फिर वो जो रियल नंबर है वो सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता है। तो वही यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, और मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। अब नोट ये दिया गया है हमारे में, लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस नीड नॉट बी अ लिमिट ऑफ द रेंज सेट। आप इसको ध्यान से समझें कि सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट रेंज सेट का लिमिट पॉइंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट निकाल रहे हैं और यहाँ पे आप लोगों को रेंज सेट का लिमिट पॉइंट दिया गया। मतलब यहाँ पर सीक्वेंस है और यहाँ पर सेट है, तो दोनों में डिफरेंस है ना, सीक्वेंस और सेट में। तो सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट रेंज सेट का लिमिट पॉइंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आप कंफ्यूज ना हो, कहीं ऐसा ना करें कि सीक्वेंस का जो लिमिट पॉइंट है वही आप रेंज सेट का लिमिट पॉइंट बना दें, या फिर आप रेंज सेट का जो लिमिट पॉइंट है वही आप सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट बना दें। यहाँ पर दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर तो सेट की बात हो रही है और यहां पर सीक्वेंस की बात हो रही है। तो रेंज सेट का लिमिट पॉइंट किस तरीके से निकालते हैं वो आप टोपोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। अगर नहीं पढ़ा है तो आगे मैं टोपोलॉजी के ऊपर भी कोर्सेज बनाऊंगा, तो आप उसमें भी देख सकते हैं कि लिमिट पॉइंट, कंडेंसेशन पॉइंट या नेबरहुड क्या होता है, एक्यूमुलेशन पॉइंट, ये सब क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें टोपोलॉजी में आती हैं, तो वहां पर हम लोग पढ़ेंगे। तो आप यहां पर ध्यान रखिए कि सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट रेंज सेट का लिमिट पॉइंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है।
नेक्स्ट अब हम लोग लिमिट पॉइंट से रिलेटेड और भी एग्जांपल देख लेते हैं, जिससे आपको कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए, आप बिल्कुल भी ना भूलें। आपको चाहे कोई सी भी सीक्वेंस दे दी जाए, आप बिल्कुल इजी तरीके से आप लिमिट पॉइंट निकाल सकें। तो हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट सीक्वेंस हम लोगों को दी गई है पी एन इज इक्वल टू एन। तो यहाँ पर हम लोगों को जो सीक्वेंस दी गई है वो क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो आप इजीली बता सकते हैं अब कि इस सीक्वेंस के पास एक भी लिमिट पॉइंट नहीं है, क्योंकि अगर आप बोलोगे कि इस सीक्वेंस का मान लीजिए कोई पर्टिकुलर रियल नंबर या फिर कोई पर्टिकुलर नेचुरल नंबर, मान लीजिए कि जैसे आपने बोला कि 2 इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है, तो मैं बोल रहा हूँ कि नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि जब आप 2 का नेबरहुड बनाओगे, मान लीजिए आपने एप्सिलॉन की वैल्यू ले ली 0.5, तो 2 का नेबरहुड क्या बन जाएगा, 2 माइनस 0.5 से लेकर 2 प्लस 0.5 तक। तो ये जो आपको स्मॉल नेबरहुड मिल गया, इस स्मॉल नेबरहुड में सीक्वेंस का एक भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है एक्सेप्ट 2। 2 को छोड़कर इस सीक्वेंस का एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा है, तो इस वजह से 2 इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसी तरीके से चाहे आप कोई और दूसरा नेचुरल नंबर ले लीजिए, वो भी इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है, नेक्स्ट सीक्वेंस हम लोग को दी गई है जी एन इज इक्वल टू माइनस एन। तो यहाँ पर सीक्वेंस क्या है, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। इसी तरीके से इस सीक्वेंस के पास भी कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप बोलोगे कि ये पर्टिकुलर रियल नंबर या ये पर्टिकुलर नेचुरल नंबर इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है, तो आप इजीली एप्सिलॉन की एक ना एक ऐसी वैल्यू ज़रूर फाइंड आउट कर लोगे कि उस ओपन इंटरवल में इस सीक्वेंस का एक भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा एक्सेप्ट वो जिसका आप नेबरहुड ले रहे हैं उसको छोड़ने के बाद, कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फिर आप इजीली बता सकते हैं कि ये रियल नंबर इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट नहीं है, तो इस सीक्वेंस के पास भी कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल है हम लोगों के पास ए एन इज इक्वल टू -1 की पावर n इंटू n। इस सीक्वेंस के पास भी एक भी लिमिट पॉइंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है इंटू एन से। यहाँ पर एन कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में। तो इस सीक्वेंस के पास भी एक भी लिमिट पॉइंट नहीं है। अब -1 की पावर n ये तो यहाँ पर क्या करेगा, एक बार पॉजिटिव वैल्यू लेके आएगा, एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव। तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, क्योंकि एक बार नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, एक बार पॉजिटिव मिलेगी, लेकिन वो तो बढ़ रहा है ना। मतलब सीक्वेंस के एलिमेंट किस तरीके से आएंगे, यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5, 6 एंड सो ऑन। तो अगर आप इसमें से कोई भी रियल नंबर बोलेंगे कि ये लिमिट पॉइंट होगा, तो आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे कि एप्सिलॉन की वैल्यू ये ले लीजिए या फिर ये ले लीजिए, बहुत सारी एप्सिलॉन की वैल्यू मिल जाएंगी जिसके लिए उसके स्मॉल नेबरहुड में, मतलब उस रियल नंबर के एप्सिलॉन स्मॉल नेबरहुड में सीक्वेंस के इन्फाइनाइट एलिमेंट कंटेन नहीं कर रहे होंगे। इस वजह से इस सीक्वेंस के पास भी कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट अब हमारे पास सीक्वेंस दी गई है ए एन इज इक्वल टू 2020 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। तो अब आप मुझे बताइए कि इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट क्या है। एक बार आप थोड़ा सोचिए कि इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट क्या हो सकता है। चलिए कोई नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट क्या होगा। इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट यही रियल नंबर होगा 2020, क्योंकि अगर हम सबसे पहले एलिमेंट देखें कि इस सीक्वेंस में एलिमेंट किस टाइप के आ रहे हैं, तो ये तो एक कांस्टेंट सीक्वेंस है ना। फर्स्ट एलिमेंट भी 2020, सेकंड एलिमेंट भी 2020, थर्ड एलिमेंट भी 2020 एंड सो ऑन। तो ये तो हमारे पास एक कांस्टेंट सीक्वेंस है ना। तो आप इसका नेबरहुड बना लीजिए 2020 का स्मॉल नेबरहुड, 2020 माइनस एप्सिलॉन से लेके 2020 प्लस एप्सिलॉन तक। तो इस स्मॉल नेबरहुड में इस सीक्वेंस के इनफाइनाइट एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं, जैसे 2020 इस सीक्वेंस का क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट। बाकी और कोई रियल नंबर इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सीक्वेंस हम लोगों को दी गई है ए एन इज इक्वल टू 1 + 1/n की होल पावर n हैज़ लिमिट पॉइंट ई। इस सीक्वेंस का जो लिमिट पॉइंट है वो क्या है, ई। तो जिस तरीके से हम लोगों ने इन सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट को निकाला, उस तरीके से इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट ये जो ई आया है वो नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इन एग्जांपल में हम लोग क्या कर रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे कि कौन सा रियल नंबर लिमिट पॉइंट इस सीक्वेंस का बन सकता है या फिर इस सीक्वेंस का नहीं बन सकता है। मतलब कोई एक ऐसा मेथड नहीं था जिसको हम लोग उस सीक्वेंस में अप्लाई करें और हमको सारे लिमिट पॉइंट मिल जाएं, तो ऐसा कोई मेथड नहीं है। आपको हर एक सीक्वेंस के लिए ऑब्जर्व करना होगा कि ये पर्टिकुलर रियल नंबर या फिर कितने रियल नंबर इस सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट बन सकते हैं या फिर नहीं बन सकते हैं। तो यहां पर मैंने आपको कैसे बता दिया कि इस सीक्वेंस का जो लिमिट पॉइंट होगा वो ई होगा। देखिए, जब आप आगे चल के अभी लिमिट पढ़ेंगे कि किसी भी सीक्वेंस की लिमिट किस तरीके से निकालते हैं,
तो हम लोगों ने क्या किया था, मतलब हम लोगों ने नहीं, मतलब जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने क्या किया कि इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट तो नहीं फाइंड आउट कर पा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि अगर ये सीक्वेंस, सबसे पहले तो चेक किया कि ये जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है या फिर ये नहीं है। तो कन्वर्जेंट हम लोग इस सीक्वेंस को ईजिली चेक कर सकते हैं। अब अगर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो फिर इसकी लिमिट भी आ रही होगी, तो जब लिमिट निकाली तो इस सीक्वेंस की जो लिमिट आई ई। तो जब आप अभी आगे चल के लिमिट पढ़ेंगे, तो लिमिट जब पढ़ रहे होंगे तब मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर किसी सीक्वेंस के पास, मतलब अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसके पास लिमिट होगी, और अगर लिमिट होगी तो उसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है उसके पास दो दो लिमिट पॉइंट हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है जिसकी लिमिट होती है ई, और अब अगर ये कन्वर्जेंट है तो फिर इसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट होगा। तो उस सीक्वेंस की जो लिमिट होती है वही उस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होता है, मतलब यूनिक लिमिट पॉइंट होता है। तो इस वजह से इस सीक्वेंस का जो लिमिट पॉइंट है वो है ई। ठीक है, देन इसके बाद अब हमारे पास लास्ट एग्जांपल है। लास्ट हम लोगों को सीक्वेंस दी गई है आर एन इज इक्वल टू -1 -1/n, जब n की वैल्यू इवन होगी, और सीक्वेंस की वैल्यू होगी 1 + 1/n, जब n की वैल्यू ऑड होगी। तो हम लोगों को ये सीक्वेंस दी गई है। अब ये सीक्वेंस भी मैं आपके लिए देता हूँ, इस सीक्वेंस का भी मुझे आप लोग लिमिट पॉइंट निकाल के बताएं कमेंट सेक्शन में कि इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट क्या होगा। तो मैंने आपको दो सीक्वेंस दी हैं करने के लिए, एक ये वाली सीक्वेंस कि इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट क्या होगा, और एक अभी मैं आपको लास्ट में बता चुका हूँ कि उस सीक्वेंस का भी आप लोगों को लिमिट पॉइंट निकाल के बताना है। तो आप लोगों के पास दो एग्जाम्पल है, मतलब दो क्वेश्चन है, तो उन दोनों क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। तो अच्छा है अगर आप बताते हैं मुझे दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में, तो हमें भी अच्छा लगेगा कि चलो हम जो पढ़ा रहे हैं आप लोगों को वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लगभग 10 एग्जाम्पल को डिस्कशन किया है, तो इन 10 एग्जाम्पल में आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा कि किसी भी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट किस तरीके से निकालते हैं। शायद ही अब कोई ऐसी सीक्वेंस बची हो आपके लिए जो आप उसका लिमिट पॉइंट ना निकाल पाए, वैसे आप सभी सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट निकाल सकते हैं। बाकी अगर थोड़ी बहुत भी कहीं दिक्कत हो रही होगी तो जब अभी हम आगे चल के लिमिट पढ़ेंगे ना, तो वहाँ से आपके वो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि जो भी आप लिमिट पॉइंट नहीं निकाल पा रहे होंगे, मतलब जो आपके बाकी रह गए होंगे, जैसे आप नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि ये जो लिमिट पॉइंट होगा या फिर ये नहीं होगा, कैसे होगा, तो जब हम आगे चल के अभी लिमिट पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपके सारे ये जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर नहीं हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, वहाँ पर भी मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा, या फिर आप मुझे मेल करके भी पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं बहुत ही स्लो पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही धीरे धीरे से पढ़ा रहा हूँ, तो आप इस वीडियो की या फिर इस पूरे लेक्चर सीरीज में जो भी आप लेक्चर्स देख रहे हैं उन लेक्चर्स की स्पीड को थोड़ा मैक्सिमाइज कर सकते हैं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि अगर मैं आपके अकॉर्डिंग उतनी स्पीड से पढ़ाऊंगा तो फिर बाकी की जो स्टूडेंट हैं उनको समझ नहीं आएगा, क्योंकि किसी स्टूडेंट को थोड़ा देर से समझ आता है, किसी स्टूडेंट को थोड़ा जल्दी समझ आ जाता है। लेकिन अगर मैं स्लो पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, तो वो जो स्लो जिनको समझ आता है उनको भी समझ आ जाएगा, और जिनको थोड़ा जल्दी समझ आता है वो इस वीडियो लेक्चर की या जो भी लेक्चर्स देख रहे हैं उनकी स्पीड को थोड़ा इनक्रीज़ कर लें तो उनको भी समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर दोनों लोगों का बेनिफिट हो जाएगा। तो अगर मैं तेज़ पढ़ाऊंगा तो फिर केवल जो स्टूडेंट जल्दी समझ सकते हैं उनका ही बेनिफिट होगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जिनको लग रहा हो कि मैं बहुत ही स्लो पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, वो इस वीडियो लेक्चर की थोड़ी स्पीड को थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, एंड अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और हम चाहते हैं कि आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स लेके आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेस लेके आएँ। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो, आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, तो आप इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी बेनिफिट हो जाएगा। एंड अगर आपकी कोई क्वेरीज हो, डाउट हो, या फिर कोई सजेशन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप ये भी बता सकते हैं कि आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर क्यों नहीं आ रहे हैं, उसको आगे के लेक्चर्स में इम्प्रूव किया जाएगा। तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन बिल्कुल बता सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके के कोर्सेज आपके लिए और भी आएँ और लेक्चर्स आएँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस बिल्कुल करें, जिससे आपकी और हमारे बीच की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ही अच्छी बनी रहेगी। तो आप सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी बिल्कुल करें। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय। Oh, 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 oh